नमस्कार दोस्तों, आपके शरीर में से सबसे सुंदर चीज है मन। गलत विचारों से इसे मैला ना करें। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बात करने जा रहे हैं आपके राशिफल के बारे में। बात कर लेते हैं दोस्तों आज के पंचांग के बारे में। आज सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर, सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 6:51 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 8:24 से सुबह 10:16 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई भी शुभ काम करना चाहते हो इसी समय करिएगा, ये आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। और इसके साथ ही साथ आज का अशुभ समय है दोपहर 12:45 से दोपहर 1:38 तक। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 8 और लकी कलर है लाल। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके राशिफल के बारे में, कैसा रहेगा आपका दिन, आइए जानते हैं। दोस्तों आज आपकी कोशिशें सफल होंगी, वक्त के मुताबिक स्वयं को ढालने की कोशिश करिए। दोस्तों पुरानी बातों पर अड़े ना रहें, संतान के कामों और संगति पर भी नज़र रखना ज़रूरी है। दोस्तों बिजनेस में कुछ रुकावटें रहेंगी, इसीलिए आप लोगों को पूरी मेहनत और काबिलियत से टारगेट की ओर कार्य करने की आवश्यकता है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। कारोबारिक मामलों में शिद्दत से अपने काम पर ध्यान दें, दूसरों पर भरोसा करना उचित नहीं। लाभ के मार्ग और अधिक प्रशस्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त कार्यभार की वजह से तनाव बना रहेगा। घर की व्यवस्था अच्छी रहेगी और आप लोगों को काफ़ी खुशी महसूस होगी। प्रेम संबंधों में मजबूती बढ़ेगी। इसके साथ ही दोस्तों पहले आपको विषय संबंधित किसी भी कार्य को करने की आवश्यकता है। जानकारियों से थोड़ा बची के रहिए, क्योंकि दोस्तों इसके साथ साथ कुछ गलत जानकारियां भी आपके हिस्से आ सकती हैं। मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, ताकि जो आपके मन को काफ़ी हल्का महसूस करवा सकता है। दोस्तों व्यवहार और दिनचर्या में थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। अपने बच्चों की समस्या को सुलझाने में आपका योगदान रहेगा, इससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। दोस्तों अपने कोई भी महत्वपूर्ण बातें ज़्यादा लोगों के संग शेयर ना करें, वरना कोई नज़दीकी व्यक्ति आपसे धोखा कर सकता है। कई गतिविधियों में व्यस्तता के कारण आप बिजनेस में ज़्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे। इस समय कोई भी बड़ा बदलाव आप लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए अपने दिनचर्या में थोड़ा सोच समझ कर बदलाव करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, प्यार और प्रतिभा दोनों ही तरीके से आप लोग एक साथ बहुत अच्छे से चल सकते हैं। अपने भविष्य के बारे में सोच को खुली रखें, लेकिन अभी कोई योजना निश्चित ना करें, क्योंकि दोस्तों समय के साथ ही चलते रहें ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर स्थितियां उत्पन्न करेगा। कुछ रचनात्मक करने के लिए आप दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें। किसी करीबी रिश्तेदार की मदद से आज आप अपने कारोबारों में अच्छा काम कर सकते हैं। इसके साथ आर्थिक लाभ भी हो सकता है। मानसिक तनाव में कुछ गिरावट आएगी, जिसकी वजह से परिवार और मित्र के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे थे, वे आज आपको निकालने का मौका मिल जाएगा। बेवजह रिश्तों पे शक करना रिश्तों को खराब करने का काम कर सकता है। आपको भी अपने प्रेमी पर शक नहीं करना चाहिए। यदि किसी बात को लेकर मन में उतार चढ़ाव है तो साथ बैठकर बातें करें, ये आप लोगों के लिए किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए काफ़ी मददगार साबित रहेगा। आईटी से जुड़े लोगों को अपना जौहर दिखाने का मौका मिल सकता है। आपको कामयाबी पाने के लिए केवल काम पर एकाग्रचित होना चाहिए। दोस्तों मेहनत जोरों शोरों से करें, इसका परिणाम आप लोगों को अवश्य मिलेगा। अगर आपके पास हालात थोड़े से ढीले पड़े हुए हैं तो दोस्तों अब उसको भी मजबूती मिलने वाली है। अगर आपके पास में हालात से उभरने की दृढ़ शक्ति इच्छा है तो कोई भी काम असंभव नहीं होता है। किसी भी खूबसूरत याद के कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच में अनबन रुक सकती है, इसलिए वाद विवाद की हालात पुराने ही छोड़ दीजिए। प्यार उम्मीद सहानुभूति और आशावादी से आप लोगों को रचनात्मक स्वास्थ्य के जरिए से आप काफ़ी उत्साहित महसूस करेंगे। एक बार ये गुण आप अपने अंदर बसा लीजिए कि आप हर काम को सकारात्मक तरीके से कर सकते हैं। धन आने से रुक सकता है,
आर्थिक मामलों में दोस्तों सुधार करने की आवश्यकता।